वही एमपी एक्सप्रेस की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने सभी का आभार जताया। सीएम बने के बाद विष्णुदेव साय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज सब कुछ तय हो गया है, क्या क्या चर्चा हुई थी आज की बैठक में और आगे अब क्या रणनीति? केंद्र से परोक्षक आए हुए थे और उसमें आदरणीय अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय गौतम जी आए थे और उन्होंने विधायकों का बैठक लिया, विधायक दल का बैठक लिया और विधायक दल के बैठक में सर्वसम्मति से हमको विधायक दल का नेता चुना गया। सर, आज डिसीजन ले लिया गया, आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, कैबिनेट को लेकर आपके मंत्रिमंडल को लेकर क्या स्थिति है? दो डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही है, वो कितनी सही है? अभी शपथ तो लेने दीजिए, अभी शपथ हो जाए, अभी तो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ही ठीक है। तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ट्राइबल साधने की कोशिश बीजेपी ने कर ली है आपको सीएम बनाकर, बाकी की चीजें और आप आने वाले समय में सबसे पहले आपके क्या काम रहेगा? ट्राइबल अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनकी हितैषी पार्टी है, पूरे देश के ट्राइबल जानते हैं। ठीक है, आगे क्या बाकी लोगों को भी फिर और बाकी पूछ लेना अंकुश, बाकी पूछ लेना। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद थे, काफी गहमा गहमी है इधर, बहुत भीड़ भाड़ भरा माहौल है और विष्णुदेव साय से हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग आए थे और पहली प्राथमिकता जो है, जो वादे किए थे वो वादे पूरे करेंगे। फिलहाल बाकी की चीजें, कैबिनेट में कौन रहेगा और क्या 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 कदम उठाने हैं, वो सारी चीजें शपथ लेने के बाद होंगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश।